जागृति विहार सेक्टर 2 के मकान नंबर 106 में रहने वाले व्यापारी कैलाश राजपूत रविवार को जैसे ही घर पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके घर के मेन गेट सहित सभी कमरों और अलमारियों के ताले टूटे पड़े थे। चोरों ने उनके घर से लाखों का माल चोरी कर लिया। दरअसल कैलाश राजपूत की पीएल शर्मा रोड पर दुकान है और वो शनिवार को भैया दूज पर परिवार सहित गाजियाबाद में अपनी बहन के पास गए थे। रविवार की सुबह उनकी नौकरानी ने घर के ताले टूटे होने की सूचना उन्हें दी। वो भागे भागे घर पहुंचे और उन्हें चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि चोरों ने घर के हर कमरे और अलमारी के ताले तोड़ लिए और घर में रखी करीब 60,000 की नकदी और करीब 9 लाख रुपए के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने थाना मेडिकल पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो 25 का सामान तक भी डालना है, बाहर निकाल दिया था। अभी लग रही सिलेंडर भी नहीं छेड़ा, बाइक भी झुकी तो खड़ी है लेडी भैया, नीचे गेट पर खतोड़े बजा रखे। हम लोग दिल्ली गए थे अपने सिस्टर के यहाँ पूरी फैमिली के साथ। हम 4 भाई हैं, एक भाई यहाँ रहता है, हम 3 भाई गाजियाबाद में रहते हैं। तो दिवाली पे हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, फिर भाई दोज के लिए अपने सिस्टर के यहाँ गए थे और यहाँ से हम लोग कम से कम 12 बजे यहाँ से निकल गए थे दोपहर में, और 11:30 बजे तक इनकी दुकान खुली थी रात को 12:30 बराबर में पड़ोस की, और उस तब तक तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ये काम हुआ है, यहाँ पर चोरी हुई है। सुबह फ़ोन आया हमारे पड़ोसियों का कि यहाँ ताला टूटा हुआ है, फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा जरा चेक करके देख, उसने देखा कि कुछ है, मैंने कहा पुलिस को फ़ोन कर, उसने 100 नंबर पर डायल किया और जीप आ गई यहाँ पे पुलिस की। 60,000 रुपये कैश लेके गए हैं, 6 सोने के सेट हैं और सोने की चेन है, 4 अंगूठी हैं सोने की, 2 मंगलसूत्र हैं सोने के, सोने के झुमके हैं 2, बाकी चांदी के आइटम लेके गए हैं कुछ छोटे बच्चे के, जैसे पायल पजेब और ये अंगूठी वगैरह, ये सब चीज़ें। शहर के जाने माने लोकप्रिय हॉस्पिटल में भी डेंगू का लार्वा मिला है और इस पर जिला मलेरिया विभाग की टीम ने लोकप्रिय प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला मलेरिया विभाग की टीम ने अभियान चला रखा है और इस कड़ी में रविवार को छुट्टी के दिन भी जिला मलेरिया विभाग की टीम सक्रिय नजर आई। टीम ने लोकप्रिय हॉस्पिटल और सम्राट हेवंस होटल में डेंगू के लार्वा को लेकर सर्च अभियान चलाया। टीम जब लोकप्रिय हॉस्पिटल पहुंची तो यहां एक कूलर के पानी में डेंगू का लार्वा मिला, यानी ये लार्वा जब मच्छर बनता तो करीब 25 लोगों को निशाना बना सकता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भले ही डेंगू का इलाज किया जा रहा हो, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में डेंगू पाला भी जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी योगेश सारस्वत ने बताया कि यदि दोबारा लोकप्रिय हॉस्पिटल में डेंगू का लार्वा मिला तो जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि मेरठ में अभी तक 480 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शमिता शेट्टी भी छोटे पर्दे की लोकप्रियता से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकप्रियता बड़े पर्दे के कलाकारों को छोटे पर्दे की ओर खींचने में कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि रियलिटी शो झलक दिखला जा और बिग बॉस में शिरकत करने के बाद से उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में कुछ नए रियलिटी शोज में भी वो नजर आएंगी। दरअसल शमिता शेट्टी आबू प्लाजा में लिवांतो मैट्रेस स्टोर का उद्घाटन करने मेरठ पहुंची थी। इस मौके पर अकॉर्ड फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अश्विनी दीक्षित ने बताया कि उनकी कंपनी के लिवांतो मैट्रेस स्टोर में विभिन्न तरह के मैट्रेस, तकिए, बेस एवं हैंडबोर्ड की विश्व स्तरीय रेंज उपलब्ध है। कंपनी 2018-19 में देश भर में 150 नए स्टोर खोलने जा रही है। तो मैं लिवांतो मैट्रेस की शोरूम के ओपनिंग के लिए आई हूँ। ये पहला शोरूम है मेरठ में एंड जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, अलग टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रेस, सो कुछ अलग ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रांड। अभी मेरी वेब सीरीज़ रिलीज हुई है एंड इट्स डूइंग वेरी वेल, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है एक्चुअली, एंड आई एम गेटिंग सम इंटरेस्टिंग वर्क नाउ, बट आई हैवंट रियली साइंड एनीथिंग न्यू एज सच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। आप देखते रहिए सिटी हलचल।